हेलो दोस्तों, एलियनिमा में आपका फिर से स्वागत है। साइंटिस्ट काफ़ी सालों से एलियंस की खोज में लगे हुए हैं और खोज करते ही जा रहे हैं, लेकिन एलियंस के अस्तित्व का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे साइंटिस्ट एलियंस का सबूत कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यूनिवर्स इतना विशाल है कि सबसे नज़दीक सितारे तक पहुँचने के लिए अगर हम प्रकाश की गति से भी जाएँ तो पहुँचने में 4.5 ईयर्स लग जाएंगे। इस स्पीड से जाना इंसानों के लिए असंभव है, लेकिन रेडियो वेव्स एक ऐसा सिग्नल है जो ये काम आसान कर देता है। ये प्रकाश की गति से ही जाता है और इससे संपर्क भी बनाया जाता है। जनरल रेडियो वेव्स पूरे यूनिवर्स में है, लेकिन 15 अगस्त 1977 में एक एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमैन को एक हैरान कर देने वाला रेडियो सिग्नल मिला। अमेरिका में स्थित बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप एलियन इंटेलिजेंस की खोज करता है। उसने सेगिटेरियस कॉन्स्टिलेशन से ऐसा सिग्नल पकड़ा जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। जेरी ने वो रेडियो सिग्नल देखा और उसको सर्कल करके लिख दिया। वाओ, ये वाओ इसलिए था क्योंकि यूनिवर्स में ऐसा सिग्नल्स देखने को नहीं मिलते। अक्सर जो वेव्स आती हैं वो एक या दो नंबर में ही दिखती हैं। ये सिग्नल था 6EQUJ5 और ये 72 सेकंड्स तक रहा। 1959 में एक साइंटिस्ट फिलिप मॉरिसन ने कहा था कि अगर कोई एलियन इंटेलिजेंस रेडियो सिग्नल से संपर्क करेगी तो उन्हें 1420 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, और ये वाव सिग्नल जो 1977 में आया उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1420 मेगाहर्ट्ज़ ही थी। इसमें हर करेक्टर 12 सेकंड का है, 1 से 9 सिंपल नंबर्स, फिर ए है 10, बी है 11, ऐसे आगे जेड तक हैं। जितना बड़ा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल। वाओ सिग्नल में सबसे स्ट्रॉन्ग था यू, जो 30 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बैकग्राउंड नॉइस से। उस दिन के बाद से आज तक ऐसा कोई भी सिग्नल फिर से देखने को नहीं मिला। हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस रेडियो टेलीस्कोप्स और डीप स्पेस सैटेलाइट्स के द्वारा खोज जारी है, लेकिन वो 72 सेकंड्स का वाओ सिग्नल किसी इंटेलिजेंट बीइंग का ही काम था, और ऐसा कुछ अब तक फिर से देखने को नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमको वाओ सिग्नल फिर से दिखेगा, और क्या हम सिग्नल से एलियन से संपर्क बना पाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।